गाइस आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि अभी हमारे बीच में टेक्नो ब्लेड नहीं है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि टेक्नो ब्लेड की मौत आखिर कैसे हुई। आप लोगों को तो पता ही होगा कि टेक्नो ब्लेड ने अपने यूट्यूब चैनल पे एक कम्युनिटी पोस्ट करी थी जिनमें उन्होंने कहा था कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। इन सारी चीजों के बावजूद भी टेक्नो ब्लेड अभी हमारे साथ नहीं है। आज गाइस मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बता दूंगा कि आखिर टेक्नो ब्लेड कैसे मरे। लेकिन गाइस उससे पहले आप सभी लोग कमेंट में लिख दो यार टेक्नो ब्लेड इज ऑलवेज अलाइव। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो और इस वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर देना। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि टेक्नो ब्लेड की एज सिर्फ 23 थी, फिर भी गाइस वो हमारे साथ अभी नहीं है। उससे पहले गाइस मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूं। Hope you guys enjoyed my content and that I made some of you laugh. And I hope you all go on to live long, prosperous, and happy lives. Because I love you guys. Technoblade out. ये जो गाइस मैंने अभी आपको क्लिप दिखाई गई थी उनके मरने से पहले की क्लिप है। इस क्लिप को देखने के बाद गाइस किसी को भी रोना जाएगा क्योंकि गाइस ये क्लिप उनके मरने से पहले की है। उन्हें पता था कि गाइस वो मरने वाले हैं तो भी गाइस उन्होंने ये क्लिप बनाई। मैं रियल में गाइस काफी ज्यादा सैड हो गया था जब मैंने ये क्लिप देखी। उनके मरने का रीजन गाइस साफ साफ है कि वो कैंसर 23 के वजह से मरे हैं।